हे गाइस कैसे हो आप सब बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से सूरज भर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ऊंचाई को लेकर जिसे लोग काफ़ी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं फिल्म को लेकर आपको आधे फिल्म काफ़ी अच्छी है काफ़ी एंटरटेनिंग है लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म फ्लॉप हो गई बिल्कुल सही सुन रहे हो ये फिल्म कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की पिछली फिल्म झुंड की तरह है जिसे कि पब्लिक ने रिस्पांस तो दिया लेकिन फिल्म फिर भी फ्लॉप हो गई आपको आधे जो कि अपने फिफ्थ वीकेंड में सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अभी भी फिल्म के पास कहीं, कहीं सौ प्लस स्क्रीन अवेलेबल हैं आपको आदे ऑडियंस का मानना है कि फिल्म इतने वक्त तक टिक रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बैनर राजश्री वेल well, आपकी राय क्या है कि वाकई राजश्री बैनर का इतना बज है मैं तो कहूँगा जो उसके डायरेक्टर हैं राजश्री बैनर उन्हीं का है सभी को पता है वेल well, सूरज बजाता को जो नाम है उन को लोग जानते हैं और उनकी जो फिल्में होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत बेहतरीन है तो उसको रिस्पॉन्स मिलना बनता है लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई है जस्ट तीन करोड़ और कमाती तो ये फिल्म एवरेज हिट हो जाती लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं फिल्म आज कमा रही है अपने इकतीसवें दिन ज़्यादा से ज़्यादा बारह से तेरह लाख की रेंज में जो कि एक नॉर्मल कलेक्शन है और फिल्म का इसी के साथ टोटल कलेक्शन हो चुका है ज़्यादा से ज़्यादा इकतीस सॉरी बत्तीस करोड़ सैंतीस लाख की रेंज में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से अभी तक जब से ये रिलीज़ हुई है और जिसका बजट है वो है पैंतीस करोड़ का ऐसे में आपकी ओपिनियन क्या है ऊंचाई को लेकर आप लोग क्या कहना चाहोगे फिल्म को लेकर कमेंट में मैंशन कर सकते हो वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना शेयर करना और फिल्म आपने देखी तो कैसी लगी क्या वाकई फिल्म मोटिवेशनल है इमोशनल है आप क्या बताते रहिएगा थैंक यू बाय टेक केयर कीप सपोर्टिंग